हे भगवान, आज का रेसिपी प्लीज अच्छे से हो जाए। मम्मी के मना करने के बावजूद भी हम बनाने वाले हैं स्प्रिंग रोल्स। मैदा, कॉर्नफ्लावर और नमक डाल के अच्छा सा एक मिक्स बना लेंगे। ये रेसिपी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग है, पर मैं ठहरी मैंने अगर डिसीजन बना लिया कि मुझे स्प्रिंग रोल्स खाना है तो मुझे खाना है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर स्प्रेड करेंगे ताकि ये शीट्स एक दूसरे के साथ चिपके ना, और फाइनली ये हो गया। अब हम बनाने वाले स्प्रिंग रोल्स के फिलिंग्स। ये सब्जियां मैंने खुद बाजार से लाया है, देखा इतना मेहनत किया मैंने। अरे पंखा चलने की वजह से जो सॉल्ट है वो उड़ी गया। आप शेजवान सॉस भी यूज कर सकते हैं। अब बारी अपने अंदर के शेफ को दिखाने की। अब जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप कीजिएगा। इसे अच्छे से चिपकाने के लिए हमने यूज किया है मैदा और पानी का मिक्सचर। जब मम्मी को दिखाया कि मैंने ये स्प्रिंग रोल बना लिया है तो मम्मी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये मैंने बनाया है। वैसे टेक्निकली मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि मैंने बनाया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये डीप ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। एंड फाइनली योर स्प्रिंग रोल इज रेडी। ये वीडियो को बनाने में इतना मेहनत लगा है तो प्लीज एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। इतना क्रंची बना था और अंदर की फिलिंग्स इतना अच्छा टेस्ट दे रहे थे कि मजा ही आ गया खा।